नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केज और अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर मूवी के बारे में, जिन्हें 2017 में रिलीज किया गया था। इन फिल्मों के बजट, स्टार कास्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इन फिल्मों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अनजाने फैक्ट्स के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केज मूवी के बारे में। इस मूवी को 14 जनवरी 2017 को इंडिया में, जबकि 20 जनवरी 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। इस मूवी में हमें विन डीजल, दीपिका पादुकोण, डॉनी येन, क्रिस ब्यू और सैमुअल जैक्सन आदि मुख्य भूमिका में नजर आए थे। और इस मूवी को डेनियल जॉन ने डायरेक्ट किया था, जबकि जो रोथ, जेफ क्रिश्चियन, विन डीजल और सामंथा विंसेंट ने प्रोड्यूस किया था। वहीं अगर बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इस फिल्म की स्टोरी को स्कॉट फ्रेजियर ने लिखा था, जबकि इस मूवी का म्यूजिक रॉबर्ट और ब्रायन टेलर ने दिया था। 1 घंटे 47 मिनट की इस मूवी को 3,651 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। अगर फिल्म के बजट की बात करें, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 621 करोड़ रुपए रखा गया था और इस मूवी ने इंडिया में 38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जबकि इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तकरीबन 2,531 करोड़ रुपए का किया था और यह एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो इसे इंडिया में IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ रियल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि नंबर 1, इस फिल्म को ट्रिपल एक्स सीरीज की तीसरी किस्त के रूप में पर्दे पर उतारा गया था। इससे पहले ट्रिपल एक्स का पहला पार्ट 9 अगस्त 2002 में, जबकि इसका दूसरा पार्ट ट्रिपल एक्स स्टेट ऑफ द यूनियन 29 अप्रैल 2005 को पर्दे पर उतारा गया था। नंबर 2, इस मूवी को बनाने की अनाउंसमेंट विन डीजल ने जनवरी 2014 में ही कर दी थी और 23 अगस्त 2015 को विन डीजल ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बताया था कि जल्द ही वो ट्रिपल एक्स की तैयारी करने वाले हैं और ट्रिपल एक्स सीरीज की वापसी होने वाली है। नंबर 3, जनवरी 2017 में वैरायटी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में विन डीजल ने कहा था कि पैरामाउंट पिक्चर्स ने ट्रिपल एक्स के चौथे पार्ट के लिए भी उनसे संपर्क किया था और उन्होंने हाँ भी कर दी है, क्योंकि ट्रिपल एक्स सीरीज उनके दिल के बहुत करीब है और वो इस सीरीज को करने के लिए कभी भी मना नहीं कर सकते। नंबर 4, दोस्तों भले ही ये फिल्म कमाई के मामले में काफ़ी अच्छी साबित हुई हो, लेकिन क्रिटिक्स के द्वारा रेटिंग दी जाने वाली एक वेबसाइट के अनुसार इस फिल्म को ए नेगेटिव की रेटिंग हासिल थी, जो कि क्रिटिक्स के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर मूवी के बारे में, जिसे 24 नवंबर 2016 को वर्ल्ड वाइड, जबकि यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को 6 जनवरी 2017 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में हैं कैट बेकिनसेल, थियो जेम्स, लारा पुलवर, पीटर एंडरसन, जेम्स फॉकनर, डेजी हेड और ओलिवर स्टार्क आदि मुख्य भूमिका में नजर आए थे और इस मूवी को एना फॉस्टर ने डायरेक्ट किया था, जबकि टॉम रोजेनबर्ग और रिचर्ड राइट ने प्रोड्यूस किया था। वहीं अगर बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इस फिल्म की कहानी को काइल वार्ड और कोरी गुडमैन ने लिखा था, जबकि इस मूवी का म्यूजिक जो है वो माइकल वैंडमाकर ने दिया था। 1 घंटे 31 मिनट की इस मूवी को 3,070 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और दोस्तों, अगर फिल्म के बजट की बात करें, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 256 करोड़ रुपये रखा गया था, जबकि इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 592 करोड़ रुपए का किया था और यह एक हिट मूवी साबित हुई थी। अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो इसे इंडिया में IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी कुछ रियल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि नंबर 1, अंडरवर्ल्ड राइज ऑफ लाइकन्स। इस मूवी में लूसियन का कैरेक्टर प्ले करने वाले माइकल सीन और कैट बेकिनसेल दोनों रियल लाइफ कपल थे और इन दोनों की एक बेटी भी थी। दोनों ने 95 में शादी की और 2003 में दोनों अलग हो गए थे। नंबर 2, अंडरवर्ल्ड सीरीज में सेलिन के किरदार के लिए पहले कई सारे ऑडिशन लिए गए, लेकिन फाइनल कैट बेकिनसेल को किया गया, क्योंकि डायरेक्टर ने उनका रोल वैन हेल्सिंग में देखा था और उनके कैरेक्टर को काफ़ी पसंद भी किया था। नंबर 3, इस फिल्म में गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था, इस वेब सीरीज के कई सारे किरदारों को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। तो दोस्तों, ये थे इन फिल्मों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अनजाने फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी आपकी फेवरेट मूवी का वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।